राम राम जो जो आपकी एक्सरसाइज बढ़ेगी ये चीजें बढ़ती चली जाएगी ये हमारा तन हम सबको पता एक्सरसाइज से तन की फिटनेस आती है ती है ना सेकेंड थिंग एक्सरसाइज करने के बाद ग्रीन पेन एक्सरसाइज करने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है एटलीस्ट ये भाव तो आता ना हो आज का भी मेरी एक्सरसाइज हो गई आता है है ना, ये अच्छा महसूस होना ध्यान से देखिए ये हमारी और है. मालूम है आभा मंडल है जब अच्छा महसूस होता है हमारा ये आभा मंडल और मजबूत और मजबूत और मजबूत होता है आभा मंडल का मजबूत होना इन चीजों की हमारे भीतर भरपाई करता है जो नियमित एक्सरसाइज करते हैं यदि एक दिन भी छूटती है किसी कारण से उनको क्या लगता है ये करते हैं अच्छा महसूस होता है क्या नहीं आज छूट गई नॉट फीलिंग गुड मुझे एडजस्ट करके कर लेना था. चाहिए था चाहे कितने भी व्यस्त थे ना मतलब करके अच्छा लगता है वो अच्छा महसूस होना आपकी और को और अधिक स्ट्रॉन्ग करता है और ये चीजें आपकी बढ़ती जाती है लिखती है लक्ष्मी आपने एक्सरसाइज बढ़ाई आपका व्हील पावर बढ़ता है है ना और वो व्हील पावर बाद में आपसे रेगुलर एक्सरसाइज करवा के ले लेता है समझा क्या साइकिल चलता है और यही व्हील पावर जो जीवन में आप पाना चाहते हैं उसे पाने में आपकी मदद भी करता है मोटिवेशनल स्पीकर रॉबिन शर्मा लिखते हैं कि 40 मिनट की रेगुलर स्विमिंग एक्सरसाइज के दौर पे वो स्विमिंग करते हैं कि 40 मिनट की मेरी नियमित एक्सरसाइज स्विमिंग मुझे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है वॉट इट मीन विल पावर कि हर चुनौती का मैं आसानी से सामना कर सकता हूं यदि मैं नियमित 40 मिनट स्विमिंग करता हूं तो एक्सरसाइज करना तो मोहम्मद अली को भी पसंद नहीं था पर अपने मन से कहते अभी मेहनत कर लो ताकि आजीवन आज चैंपियन बना रहा जा सकते जा सके हम कहते हैं अभी एक्सरसाइज कर लो ताकि आजीवन आज स्वस्थ रह सको आजीवन ये चीजें आपके भीतर आती चली जाए और ईश्वर की कितनी सुंदर व्यवस्था आज आप सुन रहे हैं अगले महीने दस मार्च को दोबारा मिलेंगे आप अपने भीतर परिवर्तन देख लेना यदि जो चीजें भी सत्संग में आपसे कही जा रही है उसे फॉलो करते हैं तो ईमानदारी के साथ क्यों मौन साधा क्या समझे सहमति समझे कि देखेंगे सोचेंगे कोशिश करेंगे हाँ और जो भी कहता है ना हम पूरी कोशिश करेंगे हम समझ जाते हैं कि यहां पर नहीं हम करेंगे 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 और ध्यान रहे आगे बतलाएंगे इनकी क्या कीमत है जीवन में पता है सबको और सबको जरूरत भी है अच्छे अच्छे उच्च शिक्षित लोग भी कहते हैं कि हमारे भीतर इन चीजों का अभाव है उच्च शिक्षित लोग अच्छी एजुकेशन हाथ में होने के बावजूद भी फर्स्ट थिंग यदि आपको इन चीजों को अपने भीतर लाना है तो एक्सरसाइज करनी ही होगी अब सेकंड स्टोरी चलती है हमारी ये रहने देना ऐसे इन्फोसिस के मिस्टर नारायण मूर्ति की पत्नी श्रीमती सुधा मूर्ति द्वारा दूसरा प्रसंग दूसरा प्रसंग हमारा पानी इन्फोसिस के मिस्टर नारायण मूर्ति की पत्नी श्रीमती सुधा मूर्ति द्वारा जिनकी की मैं जबरदस्त फैन हूं जबरदस्त वो जो भी चीजें लिखते हैं एकदम सीधी सरल भाषा में आसानी से भीतर उतरने वाली और मैंने देखा कि उनकी कहानियों में छोटी छोटी साधारण सी बातें भी शामिल होती हैं। पर वही छोटी छोटी साधारण बातें जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस करवा देती है कि जैसे वो प्रसंग हमारे साथ घटित हो रहा हो या उस प्रसंग के हम भी एक हिस्सा हैं और सबक तो मिलता ही मिलता है पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ सीखते ही सीखते हैं एक खासियत मैंने और देखी उनके लिखे प्रसंगों में कि यदि हमें हमारे भीतर ये भाव है कि हम बहुत अच्छे हैं बहुत ईमानदार हैं लेकिन जब उनका लिखा प्रसंग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हम स्वार्थी भी हैं आप भी विधान से सुनिएगा कितनी चीजें उजागर होती है उनके लिखे प्रसंग से लिखती हैं श्रीमती सुधा मूर्ति कि हमारे देश भारत में हर साल प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं, जैसे गुजरात में भूकंप उड़ीसा में बाढ़ तो कर्नाटक में अकाल और जब गरीब देश पर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है तो जैसे तांडव सा ही मच जाता है आगे लिखती है श्रीमती मूर्ति कि मैंने देखा है कि जब इस तरह की आपदाएं देश पर आती है तो मदद करने वाले भी लोग दिल खोल कर मदद करते हैं धन से, कपड़ों से अनाज से दिल खोल कर आते हैं आगे सहयोग देने के लिखते हैं शेमती मूर्ति कि जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है तो मैंने देखा है कि लोग दिल खोल कर भी मदद करते हैं लेकिन जैसा कि हमारे मन में हमेशा से ही विचार रहा है भाव रहा है कि अमीर लोग ऐसे मौके पर दिल खोल के मदद करते हैं लिखते हैं श्रीमती मूर्ति ऐसा नहीं है जो मिडिल क्लास लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वे भी बहुत मन से कंट्रीब्यूट करते हैं और बहुत थोड़े अमीर ऐसे हैं जो मन से कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तब आगे लिखते श्रीमती मूर्ति कि कुछ सालों पहले की बात है मुझे बेंगलोर के एक बहुत बड़ी कंपनी में टॉक देने के लिए बुलाया गया विषय था कि जब देश पर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उस वक्त जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं लिखते मूर्ति कि मैंने सोचा कि टॉक देना मेरे लिए बेहद आसान है लेकिन मैं ये कह नहीं सकती यकीन के साथ कि मेरी बात कितने लोग समझ पाएंगे और कितनों में बदलाव आएगा खैर मैं कंपनी में गई मैंने टॉक दिया और टॉक देने के बाद जो इंप्लॉइज थे उसमें कई यंग जनरेशन भी थी उनसे सबसे मैं मिली जो कि उच्च शिक्षित थे अच्छे घरों से थे सबसे मिली मैंने देखा कि मेरा टॉक सुनने के बाद वे सारे के सारे बेहद भावुक हो गए एक ने आकर मुझसे कहा कि मैम हम तो हर महीने ढेर सारे कपड़े खरीदते हैं हमारे पास पुराने कपड़ों का अंबार पड़ा है क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या कि प्रभावित क्षेत्रों तक वो कपड़े पहुंचाए जा सके किसी ने कुछ देने की पेशकश की किसी ने कुछ किसी ने कहा हमारे पास ढेर साले खिलौने पड़े हैं ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या उन बच्चों तक पहुंचाया जा सके श्रीमती मूर्ति लिखती है कि जब वो अपने सहयोग की बात कर रहे थे मुझे रामायण का वो प्रसंग याद आ गया जब भारत और लंका के बीच सेतु बांधा जा रहा था और एक छोटी सी गिलहरी ने रेत ला लाकर अपना सहयोग दिया था मैंने उनसे कहा कि आप लोग जो कुछ भी देना चाहते हैं मेरी ऑफिस में भिजवा दीजिए मैं वो व्यवस्था कर दूंगी कि प्रभावित लोगों तक आपका दिया योगदान पहुंच सके लिखती है शिमदे मूर्ति सेकेंड डे से ही बोरे के बोरे मेरी ऑफिस में सामान आने लगा और एक हफ्ते के भीतर तो ऐसी अवस्था हो गई कि ऑफिस में जगह ही नहीं बचे सामान रखने की इतना ही डोनेशन आया और मैं उस सारे सामान को देखकर गर्व महसूस कर रही थी कि वाह मेरे टॉक का इतना प्रभाव पड़ा कि लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है गर्व मुझे हुआ फिर एक दिन संडे का दिन छुट्टी का दिन लिया मैंने अपने असिस्टेंट को साथ में बिठाया और एक एक बैग खोलना बोरा खोलना शुरू किया ताकि सारे सामान को व्यवस्थित कर सकूं और प्रभावित क्षेत्रों तक भिजवा सकूं जो जो मैंने बैग खोलने शुरू किए मैं धक्क होती चली गई उन बैगों में थैलों में बोरों में कबाड़ भरा था कबाड़ है। पुराने हाई हील सैंडल जिनकी पट्टिया ही नहीं थी चप्पलों का बोरा जिसमें कई चप्पलों की जोड़ी ही नहीं थी ट्रांसपेरेंट साड़ियां टूटे खिलौने एक खिलौने के पांच पांच टुकड़े करे हुए कपड़े इतने मैले और फटे हुए कि हाथ पहुंचने का जमीन पहुंचने का भी मन ना करे। छाटने के बाद बहुत थोड़ा सामान ऐसा निकला जो प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता था बाकी सारे सामान को देखकर आसानी से समझ में आ रहा था कि या तो ये सामान कचरे के डिब्बे में जाना था या कबाड़ी को बेचा जाना था बचाए उन्होंने डोनेशन के नाम पर मेरी ऑफिस में भिजवा दिया